नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के शुरुआत में ही AIMIM को तगड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा में किशनगंज इकलौता सीट है जिस पर AIMIM का कब्जा है। बिहार विधानसभा चुनाव को करीब देख किशनगंज की सीट बचाने की तैयारियों में जुटी AIMIM को तगड़ा झटका तब लगा जब उसके शीर्ष चार नेताओं सहित 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्वयं जिला अधिकारी के निर्देश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अभी अनलॉक 3 के तहत जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उसमें सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक है। यानी आप बिना अनुमति के सभा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते और भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन किशनगंज के AIMIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया, बिना प्रशासनिक अनुमति के राजनीतिक सभा किया और भीड़ भी इकट्ठा किया। इसी के तहत किशनगंज जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश के निर्देश पर नगर थाने में चार नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इस मामले में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। अंचल अधिकारी समीर कुमार की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल किशनगंज के चूड़ी पट्टी स्थित AIMIM कार्यालय में बुधवार को 22 विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रकमुद्दीन सहित दर्जनों अन्य लोगों ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान AIMIM कार्यालय में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। बिहार में लगे अनलॉक 3 के गाइडलाइन के अनुसार अभी बिहार में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकते और अगर कोई विशेष जरूरी कार्यक्रम है तो उसके लिए जिलाधिकारी से उस संबंध में इजाजत लेना आवश्यक है। अनुमंडल जिला दंडाधिकारी शहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि सरकार ने अनलॉक 3 में किसी भी प्रकार की सभा करने, जुलूस, भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद बुधवार को चूड़ी पट्टी स्थित AIMIM कार्यालय में बिना अनुमति के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए, जिससे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण AIMIM के नामजद किए गए चार नेताओं AIMIM किशनगंज जिला अध्यक्ष इसहाक आलम, अबू समद, मजहरुल हसन और 22 के पूर्व विधायक रकमुद्दीन सहित 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। अब देखना होगा कि यह मामला आगे कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि बिहार का सबसे ज्यादा संक्रमित जिला राजधानी पटना में तो इस प्रकार के कार्यक्रम बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता पर इस प्रकार का मुकदमा दर्ज करने की खबर नहीं मिली है। इसीलिए AIMIM के समर्थक लगातार सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में आगे क्या कुछ होता है उसे जानने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।